साथियों जब सड़कें सूनी हो जाती हैं तो संसद आवारा हो जाती है। इससे पहले कि आप इतना सुंदर कोट मुझे बताने लगे और मेरे खिलाफ इस संसद की अवमानना का मुकदमा चलना शुरू हो, मैं बता दूं कि ये कोट भारत की संसद के सबसे महान सांसदों में से एक राम मनोहर लोहिया का है। राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि जब सड़कें सूनी हो जाती हैं तो संसद आवारा हो जाती है। टिप्पणी संसद पे नहीं है, किसी एक संसद या सांसद पे नहीं है, ये सड़क पे चल रहे प्रोटेस्ट और संसदीय लोकतंत्र का रिश्ता बताने के लिए। ये बात इस बुनियादी सच को दोहराने के लिए कही गई थी कि दुनिया में लोकतंत्र का और कंटेस्टेशन का बहुत गहरा अंदरूनी रिश्ता डेमोक्रेसीज ऑल ओवर द वर्ल्ड इन द हिस्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी डेमोक्रेसीज हैव प्रोग्रेस्ड बिकॉज ऑफ कंटेस्टेशन। कंटेस्टेशन इज सेंट्रल, not just elections, contestation is absolutely central to democracy and that is what is being stifled today. अलग अलग बहानों से, अलग अलग नाम से, किसी भी तरह से सड़क पे कुछ हो उसको रोकने की कोशिश हो रही है। और अफसोस कि इस देश के जज साहिबान के कई जजमेंट भी ऐसे आते हैं जो इसको मजबूत करते हैं। मेरी कई बार इच्छा होती है जज साहिबान से कहूं कि सर आप ऐसा करें, प्रोटेस्ट के लिए अप्लाई करके देखो, पार्लियामेंट स्ट्रीट में एक एप्लीकेशन दे के देखो कि हम तीन लोगों को संडे को दिन में 12 बजे एक प्रोटेस्ट करना है। तीन लोगों की आप एप्लीकेशन दे के देखो, हमारे नदीम भाई हैं रेगुलरली प्रोटेस्ट के लिए एप्लीकेशन देते हैं, क्या होगा, पहले तो वो एप्लीकेशन रिसीव करने से इनकार कर देंगे, फिर उसके बाद में आपको दो दिन बाद सीआईडी वालों का फोन आएगा कहते हुए कि कर लेना मगर हमसे ये मत सोचो कि हम आपको रिसीविंग दे देंगे। फिर आप किसी तरह से झगड़ के उनसे रिसीविंग लेते हैं। रिसीविंग का मतलब कुछ नहीं, सिंपली एन एक्नॉलेजमेंट दैट यू हैंडेड ओवर दैट पीस ऑफ पेपर टू द पुलिस स्टेशन। ये आपको तीन तीन पांच पांच दिन नहीं मिलता है। और आखिरी दिन, अगले दिन आपका डेमोंस्ट्रेशन होता है तो रात को आपको बताया जाता है कि आपकी परमिशन डिनाई हो गई है। फार्मर्स प्रोटेस्ट हमने किया था, मुझे याद है रात 2 बजे तक मीटिंग चला था, यहां पे 20,000 किसान रामलीला मैदान में सो रहे थे। रात 2 बजे तक दिल्ली पुलिस से हमारा मीटिंग था और दिल्ली पुलिस ने कहा था हम यहां स्टेज नहीं बनने देंगे, शामियाना नहीं लगने देंगे, यू बीन डिनाइड परमिशन। ये कोई अनयूजुअल चीज नहीं है, दिस इज द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर ऑफ दिल्ली पुलिस एंड पुलिस ऑल ओवर द कंट्री। और आखिरी दिन भी हमारे हाथ में परमिशन लेटर नहीं था, हमें कहा था ठीक है आप कर लीजिए। दिस इज एग्जैक्टली हाउ प्रोटेस्ट आर ट्रीटेड ऑल ओवर द कंट्री दीज डेज। जिसका मतलब है कि जब चाहे पुलिस बाद में कह देगी ये तो इलीगल प्रोटेस्ट था, परमिशन दिया नहीं गया था, हमें तो इंफॉर्मेशन ही नहीं थी। पुलिस कैन इजीली क्लेम दैट। अगर आपको इसमें शक है तो मैं आप जर्नलिस्ट साथियों को इनवाइट करता हूं, आप में से तीन लोग अभी पार्लियामेंट्री थाने में जाके इस चीज को चेक कर लो, अगर आधे घंटे में आपको पता लग जाएगा। एंड आई एम स्पीकिंग ऑफ द नेशनल कैपिटल, आई एम स्पीकिंग ऑफ द मोस्ट प्रेस्टीजियस पुलिस स्टेशन वेयर दे आर स्पेशल इंस्ट्रक्शंस टू ट्रीट पीपल प्रॉपरली, वहां ये होगा आपके साथ। और ये अभी हम उससे 500 मीटर दूर बैठे हुए हैं और उसमें हमारे जज साहिबान कहते हैं कि आप डेजिग्नेटेड प्लेसेस पे प्रॉपर परमिशन के साथ कीजिए। मुझे लगता है 21st century में तो परमिशन आएगा नहीं, 22nd के लिए हमें वेट करना पड़ेगा। डजंट द जुडिशरी नो अबाउट दिस एलिमेंट्री सिचुएशंस ऑफ हाउ दिस कंट्री ऑपरेट्स, हाउ द पुलिस ऑपरेट्स? जो हो रहा है, बाकी साथी बाकी किस्से बताएंगे, मैं सिर्फ दो बात आपके सामने रखना चाहता हूं, दोनों बिल्कुल रिसेंट किस्से हैं। एक आज सुबह की रिपोर्ट है और एक आज से एक सप्ताह पहले की रिपोर्ट है। हरियाणा में जैसा आप जानते हैं फार्मर्स प्रोटेस्ट हो रहे हैं, इन तीन एंटी फार्मर्स
कानूनों को लेके किसान बहुत परेशान हैं, चारों तरफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं। बीजेपी उनके फेवर में अब मार्च निकाल रही है ट्रैक्टर पे, बिल्कुल उनको भी हक है, जैसे हमें हक है उनको भी हक है फॉर्मल प्रोटेस्ट करने का। 14 तारीख को अंबाला जिले में नारायणगढ़ तहसील में बीजेपी के दो एमपी, जिनमें से एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर है, ये उसके फेवर में ट्रैक्टर मार्च निकाल रहे हैं। अब जैसा कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, फेवर में ट्रैक्टर मार्च निकलते हैं, अपोज करने वाले सड़क पे खड़े होते हैं बेचारे। तो उसके सामने कुछ लोग ब्लैक फ्लैग लेके खड़े हैं, अपोज कर रहे हैं कि ये बिल का हम विरोध करते हैं। सब कुछ डॉक्यूमेंटेड है, वीडियो पे है। इस बीच अचानक ये जो प्रो एक्ट जो लोग डेमोंस्ट्रेट कर रहे हैं ट्रैक्टर पे एक 72 साल के बुजुर्ग बैठे हैं, नाम है उनका भरत सिंह। वो अचानक ट्रैक्टर की सीट पे स्लंप कर जाते हैं और फिर एक मिनट के अंदर बाकी लोगों के ध्यान में आता है कि ये बुजुर्ग थोड़ा गिर गए हैं वहीं पे, मतलब ट्रैक्टर में ऑलमोस्ट जैसे मैं अपनी सीट पे यहां बैठा हूं, मान लीजिए निढाल होकर यहीं पे गिर जाऊं। एग्जैक्टली ये होता है, एवरीथिंग इज कैप्चर्ड ऑन वीडियो। लोग भागते हैं, उनको पानी पिलाते हैं, उनको हॉस्पिटल ले जाते हैं, ही इज डिक्लेयर्ड डेड। उनको इससे पहले भी एक हार्ट अटैक हो चुका है, सेकेंड हार्ट अटैक था, ही इज डेड। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद सबसे पहले तो बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट वहां पहुंचते हैं उनके कंधे, उनके अर्थी को कंधा देने के लिए। उसके बाद किसानों पे, जो 6 किसान काला झंडा दिखा रहे थे, भारतीय किसान यूनियन के थे, मेरे ऑर्गेनाइजेशन के नहीं थे, लेस्ट यू थिंक कि मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन का प्रोपेगेंडा कर रहा हूँ यहाँ, भारतीय किसान यूनियन से थे, और उनके खिलाफ FIR होता है। चार्जेस पता है क्या है? 302, नॉट इवन 307, इट्स 302, मर्डर। मर्डर की FIR की गई है, 7 किसान अब तक अरेस्ट कर लिए गए हैं, इसलिए कि वो काला झंडा दिखा रहे थे। उसका किसी वॉयलेंस से कोई लेना देना नहीं है, वहां पे कोई वॉयलेंस नहीं है, कोई हाथापाई नहीं है। उससे 15 सेकंड तक पहले तक फोटोग्राफ में लोग हंस रहे हैं, एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं, और 15 सेकंड में वो डेथ होती है, और मर्डर का मुकदमा इस वक्त दर्ज किया गया है। दैट्स वन एग्जांपल। ये नारायणगढ़ है, हरियाणा का अंबाला जिले की नारायणगढ़ तहसील है, 14 अक्टूबर का केस है, प्रोमिनेंटली रिपोर्टेड, एवरी वीडियो एविडेंस इज अवेलेबल इन द पब्लिक डोमेन। दूसरा केस आज सुबह के अखबार में छपा है, ये बॉम्बे का है। आप सिर्फ ये ना सोचें कि बीजेपी को ये बीमारी है, ये महाराष्ट्र पुलिस है, बॉम्बे पुलिस। आज सुबह खबर आई है कि MRA मार्ग, कोलाबा और तारदेव पुलिस स्टेशन, इन तीनों की तरफ से नोटिसेस इशू किए गए हैं किन्हें? जिन प्रोटेस्टर्स ने NTCA प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया और जिन स्टूडेंट्स ने JNU में जब वॉयलेंस हुआ, जिसके बारे में आप जानते हैं, JNU के प्रोफेसर मेरे साथ बैठी हुई हैं, आज तक एक भी व्यक्ति को नामजद नहीं किया गया है। उस JNU की वॉयलेंस के बाद बॉम्बे में TISS के और दूसरे कुछ स्टूडेंट बाहर स्ट्रीट पे आए, उन्होंने उसके बारे में प्रोटेस्ट किया। जिन्होंने JNU में वॉयलेंस किया उनके खिलाफ कुछ नहीं हुआ, एक इंटेरोगेशन तक नहीं है। मैं उन लोगों में से हूं जिन्होंने लिख के कंप्लेन किया था और बताया था क्या क्या हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। और बॉम्बे में TISS के स्टूडेंट्स उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने सड़क पे आए, इस जुर्म में उनको नोटिस दिया गया है। और नोटिस पता है क्या कहता है? उनको CPC की सेक्शन 110, जो कि सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम ये क्या बोलते हैं, जो रूटीन बदमाश होते हैं, जो हमेशा गुंडागर्दी करते हैं, हिस्ट्री शीटर्स जो होते हैं, रूटीन ऑफेंडर्स, उस सेक्शन में उन लोगों को बुलाया गया है और कहा गया है आप 1,00,000 से 5,00,000 तक की श्योरिटी दीजिए, अगले 2 साल में कभी भी आप कोई बेजा हरकत नहीं करेंगे। बेजा हरकत मतलब संविधान को हाथ में लेके हर्ष मंदिर की तरह गांधी का नाम नहीं लेंगे, ऐसा कुछ कर देंगे तो आपको माना जाएगा और आपकी श्योरिटी जब्त कर ली जाएगी। अगस्त के महीने में सुवर्णा सालवे करके स्टूडेंट है वहाँ सिद्धार्थ कॉलेज की, जो वहाँ समता कला मंच की सदस्य हैं, जिन्होंने NTCA प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया,
उन पे नोटिस था, एक स्टूडेंट को नोटिस था, कितना? 50 लाख रुपए की श्योरिटी देने का। दिस इज व्हाट्स हैपनिंग इन दिस कंट्री। और अगर ये है तो लोकतंत्र, संविधान, सुप्रीम कोर्ट, जुडिशरी, रूल ऑफ लॉ, ये सब तो मजाक है। मैं बार बार कहता हूं, इस देश का संविधान वो नहीं है जिसे लेके प्रशांत भूषण सुप्रीम कोर्ट में खड़े होते हैं। इस देश का संविधान वो है जो कि थानेदार मानता है, और वो थानेदार ने तो अपना संविधान बदल दिया है, दिल्ली में भी, हरियाणा में भी, बॉम्बे में भी। और आज हम उसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए आए हैं यहाँ। अगर सड़क को सूना करने की कोशिश की तो इस देश में जो कुछ भी बचा खुचा संसदीय लोकतंत्र का है वो खत्म हो जाएगा। शुक्रिया।